ओके सो हेलो एवरीवन, आज मैंने डिसाइड किया कि यार एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाता हूँ। शॉर्ट्स तो मैंने काफ़ी बना के डाल दिए, तो एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी बनाते हैं। तो ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो है चैनल का, कि चैनल पे क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं फॉर श्योर, और उसके बाद आर्ट सप्लाई रिलेटेड वीडियोज़ आने वाली हैं और कुछ इस टाइप के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं अपना रूम टूर देने वाला हूँ, स्टूडियो टूर। रूम ही है यार जहाँ मैं सोता हूँ, वही मैं काम करता हूँ, तो वो मैं बताने वाला हूँ कैसे काम करता हूँ। पूरी जुगाड़ है, पूरी जुगाड़ है, तो एक एक जुगाड़ आपको बताऊँगा आज मैं। तो चलो शुरू करते हैं, है ना, तो सब बताता हूँ मैं आपको। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। ओके तो चलो रूम के इस कोने से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरी एक पेंटिंग रखी हुई है इनकम्प्लीट, क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग है और अभी तो फिलहाल सूख गई है, इस पर काम कर सकता हूँ मैं, तो करूँगा काम अभी स्टार्ट। तो इसको मैंने सूखने के लिए रखा था यहाँ पे, है ना। इसके पीछे देखो ये है पूरा फैला रहा भाई। रूम को मैंने साफ नहीं किया, एज इट इज़ रहने दिया है, क्योंकि थोड़ा मैं सोच रहा था कि दिखा देता हूँ यार जो है रो। और हाँ ये स्टैंड है जिस पे मैं रख के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको साइड कर देते हैं और ये कबाड़े को थोड़ा सा साफ करके दिखाता हूँ मैं। ऐसा तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये शीट पड़ी हुई है वाटर कलर शीट है, और भाई इसमें तो पता नहीं क्या क्या है। कभी साफ करूंगा ना तो डिटेल में आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। और ये पोर्ट्रेट पड़ा हुआ है, ये मैं लाइव बना रहा था तो फिर बनाना रह गया। एंड ये कैरम बोर्ड जो कि मेरा ड्राइंग बोर्ड भी बन जाता है ना, उसके पीछे भी सब कबाड़ा है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ स्टोर रूम है मेरे घर का, जो कि मुझे दे दिया गया है ड्राइंग के लिए, ठीक है। तो मेरे घर के पूरा कबाड़ा सब कुछ यहीं पड़ा रहता है ना। फिर उसके बाद है ये स्टूल, और ये देखो ये समझ में आ रहा है आपको क्या है, ये जो वो कैन होती है ना, तेल की कैन होती है, उसका बनाया हुई लाइट है। मैं देखो ऑन करके बताता हूँ आपको, सब जुगाड़ों वाला काम है भाई। एक सेकंड मैं ऑन करके बताता हूँ आपको। हाँ तो ये देखो, है ना, मस्त। तो भाई ये लाइट बन जाती है, यहाँ से मैं लाइट लगा देता हूँ और जो भी ड्राइंग वगैरह बनाता हूँ तो इसी की लाइट यूज़ में आती है ना। तो ये हो गया एक कॉर्नर मेरे रूम का, अभी के लिए लाइट बंद कर देते हैं। सब जुगाड़ू वाला काम है ना। फिर आते हैं मेरे ईजल पे। तो ये रहा सस्ता सा ईजल, और इस पर एक काम रखा हुआ है जो कि वाटर कलर है, और ये कमीशन वर्क है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको अभी पैक करके मैं कुरियर करने जाऊंगा, तो अभी बताऊंगा इसको भी कैसे पैक करते हैं, है ना, वो भी दिखाई दूंगा क्योंकि अभी पैक करने वाला हूँ मैं। और दूसरा ईजल, तो ये है दूसरा ईजल स्टैंड, मेरी कुर्सी। तो ये फुल जुगाड़ वाला काम है, जो भी कोई हैवी पेंटिंग होती है ना मैं इस पे रख लेता हूँ, या तो इस पे रखता हूँ, ठीक है, स्टूल पे, और जैसे अगर कोई लंबी बड़ी पेंटिंग है जो कि ज़्यादा ऊपर नहीं रखना मुझे, तो मैं इस पे रखता हूँ। और ये देखो कितनी गंदी भी हो गई है, क्योंकि कलर इस पे पड़ता ही रहता है, तो इसकी ये हालत हो गई है। और तो ये है, और इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पर मेरे ये तीन लैंडस्केप लगे हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं यार मुझे। और तीनों आप देखोगे ना तो गांव का सीन है, और तीनों में एकदम सड़क बताई गई है ना, तो एकदम मिलते जुलते ऐसा लग रहा है कि एक ही गांव के तीन सीन है ना। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ लगाए हैं ऊपर, यहाँ मैं काम करता हूँ, और यहाँ ऊपर मैंने ये तीनों अपने लैंडस्केप लगा रखे हैं वाटर कलर। उसके ऊपर एक बल्ब है जो कि 24 वाट का है, बहुत ज़्यादा उजाला देता है यार ये, है ना, क्योंकि लगता है, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाओ ना तो काफ़ी ज़्यादा लाइट चाहिए रहती है यूजुअली। वैसे हम घरों में कम ही लाइट रखते हैं, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो बड़ा बल्ब लगता है ना। फिर उसके बाद इधर साइड बाय साइड आएंगे तो यहाँ पे मेरा ये बेड, और ये बेड भी भाई काफ़ी गंदा होता रहता है क्योंकि इस पे कलर्स पड़ते ही रहते हैं। यहाँ मैं काम करता हूँ तो जब भी जैसे ब्रश होता है ना हाथ में, तो यूँ झटकता हूँ तो सारे कलर इस पे ही आते हैं। तो मैंने मम्मी से बोल रखा है कि इस पे कोई अच्छी बेडशीट बिछाने की ज़रूरत नहीं है, गंदी बिछाओ, क्योंकि अच्छी बिछाओगे तो वैसे भी ख़राब हो ही जानी है। क्योंकि ये देखो ये रफ कपड़े में मैंने इस पर पटक रहा है, इस पर कोई कलर लग रहा होता है तो मैं इसी पर पटक देता हूँ तो ये गंदी हो ही जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बेड के ऊपर ये देखो, ये मेरे कुछ काम लगे हुए हैं, ये पूरा प्रॉपर मैंने फ्रेम सेट करके लगाया हुआ है काम का, बहुत अच्छा लगता है यार ये पूरा प्रॉपर। और ये वीडियो में भी आता है क्योंकि मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ ना ऐसे, तो ये वीडियो में पीछे दिखता भी है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके साइड में ये विंडो, और विंडो से भी काफ़ी अच्छी लाइट आती है ना। और यहाँ मेरे रूम में कोई टेबल नहीं है, तो ये देखो मैं बताता हूँ ये क्या है, ये वो होती है ना पेटी होती है ना मेटल की, तो इसके अंदर वो रजाई गद्दे भरे हुए होते हैं, तो ये वही है,
बस उसको मैंने अपने बेड के ऐसे साइड में लगा लिया, और यहाँ पे मैं अपना जो भी काम है वो बैठ के कभी करना होता तो यहाँ बैठता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। और यहीं पे देखो मेरा पूरा सामान रखा हुआ जो कि डेली यूज़ में आता है ना, जो भी सामान, तो यहीं रखा हुआ है। ये पैलेट है, ये वाटर कलर की पैलेट है ना, और ये एक्रेलिक की पैलेट, ये भी जुगाड़ वाला काम है। देखो ये जो ट्रे होती है ना घर में, तो ये टूट गई थी मेरे घर में जो ट्रे है, देखो थोड़ी सी, ये देखो, तो ये मैं अपने लिए उठा लाया था। और ये बहुत सही पैलेट है भाई, तो आप लोग भी ना कुछ भी चीज़ ऐसी टूटे या कुछ हो तो जुगाड़ जुगाड़ बैठा लिया करो, उठा लिया करो, है ना। और ये सारे डब्बे हैं ना, इनमें सब में एक्रेलिक कलर है, और ये भी सारे जुगाड़ के, आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन फ्रूट बोरो प्लस, ये सब तो सब जुगाड़ वाला काम है भाई, टोटल जुगाड़ वाला काम है। और ये मेरा वाटर कंटेनर जिसमें वाटर पड़ा हुआ है, मैंने अभी काम किया था, तो और ये कुछ ब्रश भी पड़े हुए हैं इसमें, अभी काम करके पटका मैंने। कुछ भी ना कुछ भी ऐसा मतलब सेट नहीं किया वीडियो के लिए कि यार जैसा होता है ना वैसा का वैसा दिखा रहा हूँ आपको, है ना। तो पैलेट दिखाई मैंने सारी, तो ये भी एक पैलेट है, ये भी एक्रेलिक की पैलेट है, सूख रही है तो इसको भी यहाँ पर रखता हूँ। देन हाँ, तो ये देख लो यार सारा कुछ है यार, ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा मैं किसी दिन आपको, क्योंकि एक ही वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी ना अगर इन सबको डिटेल में बताने लगा। और ये ब्रश के वो है देखो, ये तीन चार चार है भाई, ये एक और कहाँ गया, तो एक कभी मिल नहीं रहा है, बट हाँ ये तीन चार हैं। इसमें ब्रश रखता हूँ मैं, ये वाटर कलर के ब्रश हैं, ये एक्रेलिक और ऑयल कलर के ब्रश हैं, वो फालतू ब्रश हैं। तो ऐसे करके मैं सारे अपने वो रखता हूँ ना। और वहाँ देखो वो कलर ट्यूब्स पड़े हुए हैं उधर पे, यहाँ पे ये मेरी छोटी सी स्केच बुक जो कि मैं आउटडोर में कभी कभी लेके जाता हूँ, और वो रहे कलर्स, और उसके पीछे वो रहा चार्जर वहाँ से चार्जिंग के लिए। और हाँ ये विंडो है, यहाँ से मस्त लाइट आती है दिन में कभी काम करता हूँ तो। एंड यहाँ पे कुछ कुछ मैंने लगा रखा है, इनका भी कुछ कुछ मतलब है, क्योंकि काम करते हुए दिखता है। देखो सबसे पहले तो ये है नो फोन, तो इसका मतलब तो साफ समझ में आ रहा है, और डोपामिन डिटॉक्स का भी मतलब है। ये भी डिटेल में बताने बैठूँ तो इस पर पर्टिकुलर वीडियो बन जाएगी, ये जितने भी पाँच मैंने ये लगा रखे ना। और ये देखो सबसे मेन तो ये यूट्यूब का, ये मैंने कल ही लगाया है क्योंकि मुझे YouTube की फुल वीडियो बनानी थी और मुझे याद नहीं रहता, गजनी टाइप आदमी हूँ थोड़ा मैं, तो मैंने कहा कि यार एक सामने ही लगा देता हूँ, ठीक है, फुल वीडियो देखो उस पर लिखा हुआ है फुल वीडियो डेली ये वो, है ना। तो मैंने लगा दिया ताकि कभी भी शॉर्ट मिस ना हो, है ना, ये देख के मुझे याद आ जाए कि यार मुझे शॉर्ट अपलोड करना है, आज मैंने नहीं किया, तो डेली शॉर्ट और फुल वीडियो के लिए मैंने वो लगा दिया, है ना। और फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर चलें तो ये मेरा जो टूरिस्ट वाला बैग होता है, बट ये भी मैंने उठा लिया घर में से। और इसमें सारे मैं बताऊंगा कभी, इसमें यहाँ से लेके ना ये पूरे यहाँ तक पूरे काम भरे हुए हैं, मतलब जो मैंने किए हैं ना अभी तक, जितने भी मेरी ड्राइंग पेंटिंग है सब इसमें भर देता हूँ मैं, एकदम सेफ रखी रहती है, चूहों से भी बची रहती है। ये मेरे हेडफोन दोनों मैचिंग मैचिंग है ना। ओके तो अब यहाँ से थोड़ा सा इधर आता हूँ। ओके ये जो बैग के साइड में आपको दिख रहा है ये पाइप्स जैसे, तो ये देखो थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो ये जो है वो कैनवास है ना, तो और बाकी सब जो ये है ना ये खाली है, इनमें भी कैनवास ही रखा के आता है, तो ये कैनवास के ही वो है, बट ये ना इसमें मैं अपनी पेंटिंग पार्सल करके भेजता हूँ, ठीक है। कैसे भेजता हूँ वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वो जो रखा हुआ है मेरा कमीशन वर्क उसको अभी मैं पैक करने ही वाला हूँ, तो वो भी दिखा दूंगा आपको। और ये देखो ये फ्रेम है, इसे स्ट्रेचर कहते हैं, है ना, इस पर ही कैनवास को स्ट्रेच करते हैं उस रोल से निकाल के, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कैसे इस पर स्ट्रेच करते हैं और फिर इस पर पेंटिंग होती है, है ना। और उधर भी कुछ स्ट्रेचर पड़े हुए हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, तो ये लोकल शॉप से मैंने बनवा लिए थे स्ट्रेचर कुछ, और ये कुछ फैला रहा मेरे कपड़े वपड़े पड़े रहते हैं ऐसे ही, तो ये छोटा सा रूम है यार। और ओके सो ये था रूम टूर, और अभी मैंने रियलाइज़ किया कि ये मैंने 5 मिनट की वीडियो में 525 बार बोला होगा, है ना है ना है ना है ना, तो उसको इग्नोर कर देना, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा सा कम करूँगा अपना, है ना, क्योंकि यार आदत है और वो आदत इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। तो अब मैं पैकिंग करके दिखाता हूँ आपको वो कमीशन वर्क, ठीक है, चलो। ये रहा पाइप, और टेप भी मैंने रिमूव कर लिया इसकी, तो अब इसको ना यहाँ से कट करना पड़ेगा, तो कट करने के लिए ये मैं फनर इससे मैं कट करने वाला हूँ यहाँ से, और कट करने के बाद आपको बताता हूँ कैसे रोल करके इसमें मैं पैक करूँगा। ओके चलो, तो ये देखो ये फाइनली हो गया कट,
अब इसमें इसको रोल करके इसमें डालना है हमें ना। ओके तो ये रहा एनवलप। इसमें अभी ये स्केच को मैं, ये देखो A4 साइज का ही है ना ये, इसमें इस स्केच को डालकर और फिर इसको रोल करके इसमें डाल के इसको दोनों साइड से पैक कर दूंगा, फिर ये हो जाएगा रेडी कुरियर के लिए, है ना। ठीक है तो ऐसे करता हूँ मैं पैकिंग अपने काम की। ये A4 साइज़ है तो इसके लिए मैंने छोटा पाइप काट लिया। अगर कोई बड़ी पेंटिंग मुझे देनी होती है तो ये पूरे पाइप में ऐसे रोल होकर चले जाती है पेंटिंग और एकदम सेफ एंड सिक्योर पहुँच जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मतलब वो है यार, टफ है। ठीक है तो हाँ अब इसको पैक करता हूँ फटाफट से, फिर बताता हूँ आपको कैसी हुई पैकिंग। ओके तो ये होगी पैकिंग डन। अब इस पर ये स्टिकर लगा देता हूँ अपने उसका। ठीक है तो ये देखो कितना सही लग रहा है, एड्रेस लिख दूंगा मैं। ओके सो पैकिंग डन। अब इसको कुरियर के लिए देने जाना है, बस एड्रेस इसमें लिखना है और कुरियर के लिए इसको मैं दे दूंगा। तो वीडियो बस यहीं तक है, ख़त्म वीडियो। एंड कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ बता देना यार, और कमेंट करके मुझे सजेशन कर, मतलब सजेशन में बता देना कैसे बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, तो सब बता देना। और ऑडियो क्वालिटी का भी बता देना प्लीज़ कि कैसे आ रही है। अभी पंखा चल रहा है तो ये थोड़ा आउटरो थोड़ा सा पंखे की आवाज़ आएगी, बट हाँ ऑडियो क्वालिटी भी बता देना। और ओके बस यार, और लाइक कर देना प्लीज़। चलो बाय।